नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 17.1 और 17.1 के प्रश्न करवा चुका हूँ बेटा मैं 6 प्रश्न, और आज अपना स्टार्ट करेंगे 7वां प्रश्न। और बेटा आपका 7वां प्रश्न ये है कि एक कक्षा में वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है। देखिएगा एक कक्षा के सेक्शन है अलग अलग, जिसमें एक सेक्शन का नाम है सेक्शन ए, और सेक्शन ए के अंदर 25 विद्यार्थी है और उनका औसत वजन कितना है 51 किलोग्राम। देखिएगा कक्षा की वर्ग ए के 25 छात्रों का 25 छात्रों का औसत भार आपका है 51 किलोग्राम। देखिएगा कोई भी एक कक्षा है उसका सेक्शन ए है, सेक्शन ए के 25 विद्यार्थी है और 25 विद्यार्थियों में कुल का 25 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है 51 किलोग्राम। अर्थात मैं बात करूं कि कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल वजन की बात करूं मैं तो अपना यहां आता है 51 × 25, 25 एकम 25 और फिर यहां 25 पांच 125 और 127 कितना हो गया 1275 किलोग्राम। मतलब कि उस सेक्शन ए के 25 विद्यार्थियों का कुल वजन कितना है बेटा 1275 किलोग्राम। अब देखिए आगे प्रश्न क्या बोल रहा है कि जबकि सेक्शन बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। अब देखिएगा एक सेक्शन ए है आपका, दूसरा सेक्शन क्या है बी, तो यहां देखिए कक्षा के वर्ग बी के कितने छात्र हैं बेटा, कक्षा के वर्ग बी के आपके विद्यार्थी दिए गए हैं 35, 35 छात्रों का औसत भार बराबर है आपका 54 किलोग्राम। इस औसत भार का मतलब होता है बेटा लगभग एक विद्यार्थी का वजन कितने किलोग्राम आता है 54 किलोग्राम। अब यहाँ मैं बात करूँ कि कक्षा के वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल वजन, अब यहाँ सेक्शन बी के 35 छात्रों के कुल वजन की मैं बात करूँ यहाँ, तो अपना कुल वजन आता है 35 × 54 और 35 को 54 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो अपना आता है 1890 किलोग्राम। अब देखिएगा प्रश्न क्या है बेटा, कोई एक क्लास जैसे कि आपकी 10th क्लास है, 10th क्लास का एक सेक्शन ए दिया गया है, एक सेक्शन क्या दिया गया है बी सेक्शन दिया गया है, और सेक्शन ए के कितने स्टूडेंट हैं भाई 25 स्टूडेंट हैं और उनका औसत वजन कितना है 51 किलोग्राम। अर्थात मैं बात करूं औसत का मतलब होता है लगभग एक विद्यार्थी का वजन कितना आता है 51 किलोग्राम। अब यहां मैं बात करता हूं तो सेक्शन ए के 25 छात्रों का कुल वजन की बात करूं तो मैं 51 को किससे गुणा करूँगा भाई 25 से गुणा करूँगा, और 51 को मैंने 25 से गुणा किया तो अपना आ गया 1275 किलोग्राम। अब यहाँ मैं बात करता हूँ सेक्शन बी के 35 छात्रों का औसत भार कितना है बेटा 54 किलोग्राम, अर्थात एक व्यक्ति एक बच्चे का लगभग वजन कितना आता है 54 किलोग्राम। अब यहाँ मैं बात करूँ सेक्शन बी के 35 छात्रों के कुल वजन की बात करूं तो 35 × कितना आता है 54, अर्थात आपका आता है 1890 किलोग्राम। अब यहां आगे प्रश्न में दिया गया है इस कक्षा के कुल छात्रों की औसत भार की गणना ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा कक्षा के अंदर
कक्षा में कुल छात्र, कक्षा में कुल छात्र, कुल छात्र की मैं बात करूं मतलब कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में 60 हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई क्लास में? 60 हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में मिला के टोटल स्टूडेंट आपके आते हैं 60 आते हैं। अब यहां मैं बात करूं कक्षा में मतलब ए प्लस बी दोनों में, कक्षा के ए प्लस बी दोनों में छात्रों का कुल वजन। अब यहां मैं बात करूं कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को इकट्ठा बिठा दिया गया है, अब यहां मैं बात करूं कि कुल वजन इन दोनों का कितना होगा, तो बेटा सीधी सी बात है, आपका जो सेक्शन ए था उसका वजन था 1275 किलोग्राम और सेक्शन बी था उसका वजन है 1890 किलोग्राम। अब 1275 को 1890 से मैं जोड़ता हूं तो आपका आता है 3165 किलोग्राम। मतलब कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों क्लास के विद्यार्थियों का टोटल वेट कितना हो गया आपका 3165 किलोग्राम। अब अपने को औसत ज्ञात करना है सेक्शन ए और सेक्शन बी का औसत भार। अब यहाँ निकालेंगे औसत भार, तो यहाँ अगर मैं औसत भार की बात करूँ तो सीधी सी बात है आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की क्या होगी संख्या। अब यहाँ मैं आंकड़ों की बात करता हूँ, आंकड़ों का क्या है भी योग, तो यहाँ मैं बात करूँ कि आंकड़ों का योग, तो आपका आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या या यहाँ औसत नाम आ गया ना, तो आंकड़ों की बजाय आप ये भी लिख सकते हो, ये भी आपका गलत नहीं होगा अगर आप ऐसे लिखते हो ना कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और यहाँ मैं राशियों के योग की बात करूँ तो आपका आता है 3165, और अगर यहाँ राशियों की संख्या की बात करूँ तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा 60 है। अगर मैं इसको 60 से भाग देता हूँ तो अपना आता है 52.75 किलोग्राम। मतलब कि विद्यार्थियों का सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को मिला के विद्यार्थियों का औसत भार कितना आता है आपका 52.75 किलोग्राम। कितना आता है बेटा 52.75 किलोग्राम। अब यहाँ एक बार फिर से रिपीट करता हूँ प्रश्न को मैं कि एक क्लास है, जैसे कि आपकी 10th क्लास है, 10th क्लास के दो सेक्शन हैं, एक सेक्शन ए है दूसरा सेक्शन क्या है बी है। अब यहाँ मैं बात करूँ सेक्शन ए के स्टूडेंट कितने हैं 25 है और उनका औसत भार कितना आता है बेटा 51 किलोग्राम। तो कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल वजन कितना हो गया आपका 51 × 25, तो यहाँ आता है आपका 1275 किलोग्राम। अब यहाँ मैं बात करता हूँ सेक्शन बी की, कक्षा के सेक्शन बी के 35 छात्र का औसत भार कितना है 54 किलोग्राम, अर्थात सेक्शन बी के 35 छात्रों का कुल वजन कितना हो गया 35 × 54, अर्थात यहाँ आ गया सेक्शन बी में आपका आ गया 1890 किलोग्राम। अब यहाँ कक्षा ए और कक्षा बी में दोनों में मिला के टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा 60 स्टूडेंट है, और कक्षा में ए प्लस बी छात्रों का कुल वजन कितना है 1275 प्लस 1890, अर्थात आपका आ गया 3165 किलोग्राम। अब यहाँ मैं बात करूँ तो अपने को औसत भार निकालना है दोनों सेक्शन का, तो औसत का फार्मूला क्या होता है राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, तो यहाँ राशियों का योग आ गया आपका 3165 और राशियों की संख्या आ गई आपकी 60, और इसको भाग दिया तो आपका आ गया 52.75 किलोग्राम, अर्थात आपका जो औसत वजन है वो कितना है बेटा 52.75 किलोग्राम या 52.75 किलोग्राम भी आप बोल सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर नेक्स्ट वाला स्टार्ट करेंगे।
आप रेगुलर क्लास लगा रहे होंगे मेरे ख्याल से। अगर आप बेटा रेगुलर क्लास लगा रहे हो तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। और इससे पहले आप 17.1 स्टार्ट करने से पहले आपको जो मैंने दो क्लासेस भेजी है पुरानी क्लासें, वो तो आपको अच्छे से लगानी है। अगर वो आपने क्लास अच्छे से लगा ली तो आपको 17वीं प्रश्नावली में कोई भी डाउट नहीं आएगा। उसमें मैंने बेसिकली सारा बताया है कितने प्रकार के क्वेश्चन हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि 17.1 के मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, 17.2 के करवा दूंगा, ये तो प्रश्नावली के अकॉर्डिंग। और उसमें मैंने सिर्फ दो क्लासों में उतना जितना भी इतने टाइप के प्रश्न बनते हैं वो मैंने सारे उसमें से करवा दिए हैं। ठीक है बेटा, अब देखिएगा आपका नेक्स्ट वाला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। अब सुनो, 5 संख्याओं का औसत 5 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 18 है। आपको जो 5 संख्या दी गई है उन 5 संख्याओं का औसत आपको दिया गया है 18। 5 संख्याओं का औसत 18 है तो सीधी सी बात है बेटा, तो औसत का मतलब क्या होता है? एक संख्या। औसत का मतलब क्या होता है? एक। तो 5 संख्याओं का औसत 18 है। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया है कि यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत कितना हो गया? 16 हो गया। मतलब 5 में से एक हटा दी। अब यहाँ 5 में से एक हटा दिया तो कितनी बच गई भाई? 4 बच गई। अब यहाँ मैं बात करता हूँ पहले 5 संख्याओं, 5 संख्याओं का औसत 18 है, अर्थात 5 संख्याओं में कुल कितना होगा? मतलब यहाँ अपने को ये नहीं दी गया है कि औसत, औसत दिया गया है 5 संख्याओं में कुल संख्याएं, कुल संख्याएं भी लिख सकते हैं या कुल लिख सकते हो। 5 संख्याओं का कुल कितना हो गया? 18 × 5, 8 × 5 = 40, 9। 18 × 5 कितना हो गया? 90। मतलब 5 संख्याओं में कुल संख्याएं कितनी है? 5। कुल संख्याएं कितनी है बेटा? 5। और 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18। एक संख्या हटा दी जाती है, देखिए एक संख्या हटा दी जाती है, एक संख्या हटा दी जाती है तो शेष संख्या, तो आपकी शेष संख्या कितनी बच गई? 4। शेष संख्याएं कितनी बच गई? 4। तो प्रश्न में दिया गया है शेष संख्याओं का औसत कितना है? 16 है। तो यहां देखिएगा, 4 संख्याओं का, 4 संख्याओं का औसत आपकी है 16। अब यहां देखिए 4 संख्याओं का औसत 16 है तो 4 संख्याओं में कुल कितना हो गया? 16 × 4, 6 × 24, 4 × 1 = 4, 2 = 6, 16 × 4 कितना हो गया? 64। कितना आ गया बेटा? 64। तो प्रश्न क्या है कि हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? हटाई गई संख्या ज्ञात करनी है। बिल्कुल इजी सा है बेटा। माना, यहां लिख देता हूं मैं, माना सबसे ऊपर लिख देना ये, माना हटाई गई संख्या, यहां ऊपर लिख देना इससे ऊपर, माना हटाई गई संख्या एक्स है, वो तो मान ही लेता हूं मैं, एक्स ही मानेंगे। माना हटाई गई संख्या क्या है? एक्स है। अब देखो, 4 संख्याओं के औसत में से जो हटाई गई संख्या है उसको जोड़ दूंगा तो मैं बताइएगा 5 संख्याओं का निकल जाएगा टोटल। देखिए 4 संख्याओं का टोटल है, उसमें हटाई गई संख्या जोड़ दूंगा तो अपनी 5 संख्याओं का टोटल नहीं निकल जाएगा क्या? इसका मतलब क्या हो गया? 4 संख्याओं का औसत कितना है? 64। पांचवी संख्या उसमें जोड़ दी तो अब 5 संख्याओं का औसत कितना, सॉरी 4 संख्याओं का औसत 16 है और 4 संख्याएं कुल कितनी है बेटा? 64। और 64 में से अगर मैं पांचवी संख्या जोड़ दूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। सीधी सी बात है, x बराबर कितना आ गया? 90 − 64, तो 10 में से 4 गया कितना बच गया? 6। 8 में से 6 गया कितना भाई? 2। मतलब कि हटाई गई संख्या, हटाई गई संख्या
आपकी 26 है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रश्न। हटाई गई संख्या कितनी है बेटा? 26 है। अब दोबारा से बताता हूँ, पांच संख्याओं का औसत 18 है, पांच संख्याओं में फिर कुल कितना हो गया 18 पंच 90, एक संख्या हटा दी गई है वो हटाई गई संख्या क्या मान ली x, तो चार संख्याओं का औसत आपका कितना है 16 और चार संख्याएं कितनी होगी 64। अब देखिए 64 प्लस x बराबर कितना है 90, x बराबर कितना हो गया 90 माइनस 64 अर्थात x बराबर आपका आ गया 26, मतलब कि हटाई गई संख्या आपकी कितनी है बेटा 26। उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इतने में मैं मार्कर में स्याही डाल लेता हूँ थोड़ी। अब देखिएगा आपका नेक्स्ट वाला प्रश्न है, आपका प्रश्न संख्या है 9। नौवां प्रश्न देखिएगा बेटा, आपका नौवां प्रश्न है कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है, 13 संख्याओं का 13 संख्याओं का माध्य 24 है। देखिएगा आपको संख्याएं कितनी दी गई है 13, और 13 संख्याओं का माध्य, माध्य का मतलब तो बेटा औसत ही होता है ना, 13 संख्याओं का माध्य अगर कितना है 24 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। देखिएगा प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए बेटा 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हैं ना, तो यहां भी कितना जुड़ेगा भाई 3 जुड़ेगा, तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ देंगे तो नया माध्य कितना आ जाएगा 24 प्लस 3, तो नया माध्य होगा, नया माध्य बराबर होगा 24 प्लस में 3, 24 और 3 कितना होता है 27। एक बात ध्यान रखना, माध्य में प्रत्येक संख्या में हम जितना जोड़ेंगे उतना ही फर्क उनके औसत में पड़ेगा। अब यहाँ जितनी, यहाँ मैं बोल देता कि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए, ये ध्यान रखना प्रत्येक संख्या में से 3 घटा रहे हैं, प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए तो नया माध्य कितना होगा, फिर आप क्या करोगे 24 में से कितना घटा दोगे बेटा 3 घटा दोगे। अब यहाँ मैं बोल देता कि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो आप 24 को 3 से गुणा कर दोगे, अगर मैं बोल दूं कि प्रत्येक संख्या को 3 से भाग दे दिया जाए तो यहाँ 24 को आप किससे भाग दोगे 3 से, बढ़ रहा है तो प्लस कर दीजिएगा प्रत्येक संख्या में, घट रहा है तो माइनस कर दीजिएगा, और गुणा हो रहा है तो आप गुणा कर दीजिए, भाग हो रहा है तो भाग कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये तो समझ में आ गया होगा, 24 और 3 कितना हो गया भाई 27 हो गया। अब उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, आप देखिएगा आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 10। एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन है 3000 रुपये, 5 कर्मचारियों का, देखिएगा 5 कर्मचारियों का आपका प्रश्न संख्या है 10, 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, औसत मासिक वेतन आपको दिया गया है 3000 रुपये। कितने रुपए है बेटा 3000 रुपये, मतलब उनका कुल वेतन कितना हो जाएगा पांचों का, कुल वेतन बराबर आ जाएगा 3000 × 5, 5 × 3 = 15000। कुल वेतन कितना आ गया बेटा 15000। आगे प्रश्न है कि एक कर्मचारी क्या हो गया सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन 3200 रुपये हो जाता है। देखिए एक कर्मचारी, एक कर्मचारी
सेवानिवृत्त होने पर, एक कर्मचारी सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारी कितने बचे? शेष कर्मचारी कितने बचे भाई? आपके शेष कर्मचारी बचे चार। अब देखिएगा आगे प्रश्न में दिया गया है, चार कर्मचारियों का, चार कर्मचारियों का औसत वेतन, चार कर्मचारियों का औसत वेतन आपको दिया गया है 3200 रुपये, तो कुल वेतन कितना होगा? आपका कुल वेतन होगा 3200 × 4, अर्थात 400, 400, 4 × 8, 4 × 3 = 12, 12,800 रुपये। अब देखिए आपका कितना आ गया बेटा, 12,800 रुपये। प्रश्न क्या है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्त के समय कितना वेतन था? बिल्कुल इजी सा है बेटा। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन, वृत्त कर्मचारी का वेतन सेवानिवृत्ति के समय, तो देखिए पहले 5 का टोटल कितना था, 5 को मिलते थे 15,000 रुपये, और फिर 4 को कितने मिल रहे हैं भाई, 12,800। तो आपका 0 0, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, मतलब कि जो सेवानिवृत्त हुआ है कर्मचारी उसका मासिक वेतन कितना आ रहा है भाई, 2200 रुपये। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए पहले आपने 5 कर्मचारियों का औसत वेतन आपको 3,000 रुपये दिए गए हैं, तो टोटल मिल रहा है 15,000। एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया, शेष टोटल कितने कर्मचारी बन गए भाई, 4 बच गए। अब 4 का कितना है 3200, टोटल उनको कितना मिल रहा है 12,800। अब 5 में से 4 घटा दिया, 5 का तो 15,000 है और 4 का 12,800 है, तो कितना रुपया बच गया बेटा, 2200 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। देखिए ये प्रश्न आप अच्छे से करना, फिर भी इनमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, ठीक है? और नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक यू।